ब्रह्म समाज भवन स्मॉल फैक्ट्री एरिया भंडारा रोड वर्धमान नगर में राजस्थानी महिलाओं द्वारा हरी तालिका तीज के अवसर पर भव्य एग्जीबिशन राजस्थानी ब्रह्म समाज की महिलाओं द्वारा रखा गया था। इस दौरान 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सत्कार और रैंप वॉक का आयोजन भी किया गया था। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की खूबसूरत झलक। राजस्थानी ब्रह्म समाज महिला की ओर से हरी तालिका तीज के अवसर पर हर साल रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस साल भी राजस्थानी ब्रह्म समाज भवन स्मॉल फैक्ट्री एरिया भंडारा रोड वर्धमान नगर में राजस्थानी समाज में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्कृष्ट सामानों की भी भव्य प्रदर्शनी रखी गई थी। खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए थे। साथ ही इस दौरान महिलाओं ने एक से बढ़कर एक सुंदर प्रस्तुति देकर उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान राजस्थानी गीत व एवं हर हर शंभु इस गाने ने सबको आकर्षित किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की खूबसूरत झलकियां। नमस्कार, विप्र फाउंडेशन और राजस्थानी ब्रह्म समाज की ओर से आज का जो रंगारंग आयोजन किया गया है, हरियाली तीज क्वीन कॉम्पिटिशन रखी गई है, उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रितु जी, वर्षा जी, इनका बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी कि इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने आज का आयोजन किया है। सोने पे सुहागा यानी आर्थिक स्वावलंबन की तरफ जो औरतों को ले जाना है, गृहिणियों को ले जाना है, उसके लिए उन्होंने एक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने अपने स्टॉल्स रखे हैं, अपने प्रोडक्ट्स रखे हैं, ताकि गृहिणी एक बाहर निकल के आर्थिक स्वावलंबन की तरफ अग्रसर हो। और बहुत ही अच्छा आयोजन, और मुझे यहाँ पे बुलाया उसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नमस्ते, मैं स्नेहल दाते सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरा नाम श्रेया नाथ है और मैं यहाँ विप्र फाउंडेशन के हरियाली तीज महोत्सव प्रोग्राम में आई हूँ। और ऐसा लग रहा है कि मेरी कर्म भूमि नागपुर है, लेकिन आज मैं पूरे राजस्थान में डूब चुकी हूँ, राजस्थानी माहौल में। और विप्र फाउंडेशन जो इस तरह से ब्राह्मण समाज की महिलाओं के लिए इस तरह का जो प्रस्तुति कर रहा है और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को रिकग्नाइज कर रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनाली शर्मा, विप्र फाउंडेशन की राष्ट्रीय प्रभारी। आज विप्र फाउंडेशन नागपुर की शाखा ने सावन उत्सव मेघ मल्हार का आयोजन किया है। ये जो आयोजन है ये दो सत्र में किया गया है। प्रथम सत्र जो है वो हमारे समाज के, विप्र फाउंडेशन के समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण अंकों से प्राप्त किया, उनको सुबह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है और सुबह एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हुआ है। दूसरा सत्र जो है वो सावन उत्सव का कार्यक्रम है, महिला प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है। इसमें सभी महिलाएँ बहुत, आप जैसे देख रहे हैं, बहुत सुंदर सज धज के आई हैं। यहाँ पर नृत्य प्रस्तुति हो रही है और कैटवॉक होगा या एक्साइटिंग गेम्स होगा, तो रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नमस्कार। आयोजित कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।